सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ पासी चैंप चैनल। और गाइस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट रॉन टैबलेट के बारे में। और गाइस इस टैबलेट का यूज़ पीरियड्स को डिले करने के लिए होता है, साथ ही जिन फीमेल्स में जो उनका पीरियड साइकिल है काफ़ी लंबे समय से नहीं आया है, तीन तीन चार चार महीने से नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर पीरियड के समय अगर फीमेल्स को हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो कन्फ्यूज़न होती है सभी को कि इस टैबलेट का जो रियली काम है क्या है। एक तरफ तो पीरियड्स को डिले कर रही है और दूसरी तरफ इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है ऐसी कंडीशन में जहां पर फीमेल्स को काफ़ी समय से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मतलब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या फिर हैवी ब्लीडिंग के समय भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस टैबलेट का यूज़ मात्र पीरियड्स को डिले करने के लिए नहीं होता, मतलब कि ये जो टैबलेट है ये पीरियड्स को ओनली डिले नहीं करती है। साथ ही ये टैबलेट ऐसी भी नहीं है कि अगर किसी को पीरियड्स नहीं आ रहे तो ये टैबलेट दे दो और उसको पीरियड्स आ जाएंगे। नहीं गाइज ऐसा नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट्रॉन टैबलेट है ये एक हार्मोन ड्रग है, ठीक है, और ये जब आप इसको लेते हैं तो ये एज ए हार्मोन की तरह ही काम करती है। तो इसका काम एज ए हार्मोन की तरह होता है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको समझाऊंगा कि डॉक्टर किन बेसिस पर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं और ये शरीर में काम कैसे करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक फीमेल्स के लिए है, क्योंकि उन्हें अक्सर ज़रूरत पड़ती है अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए, या फिर डॉक्टर कई बार इस टैबलेट को गाइज प्रेस्क्राइब भी कर देते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से बिना स्किप किए देखना, क्योंकि गाइज ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर दें और वीडियो को मत देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी गाइज खतरनाक होती है। इसलिए अगर आपने देखना हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहीं पर वीडियो को स्किप कर देना और यहीं पर छोड़ देना, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको नॉर्थ ईस्ट रॉन के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं इंडिया में उनके बारे में भी बता देता हूँ ताकि आप पजल ना हो। जैसे डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्राइमोलुट एन टैबलेट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर नॉर्लुट एन टैबलेट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर मैंसिल एन टैबलेट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, गाइनासेट रेजिस्ट्रोन या फिर सिसरोन एन टैबलेट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये गाइज नॉर्थ ईस्ट रॉन के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, काफ़ी इंडिया में फेमस हैं। और इसमें से अगर सबसे सस्ती टैबलेट अगर मैं आपको बताऊं तो सिसरोन एन टैबलेट आपको 46 रुपीज़ की 10 टैबलेट मिल जाएगी, ओके। तो गाइज इस टैबलेट को डॉक्टर एज ए एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसके जो टिश्यूज़ हैं जो यूट्रस के अंदर ग्रो होने चाहिए, अगर वो यूट्रस के अंदर ग्रो नहीं होते हैं, यूट्रस के बाहर ग्रो होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। और ऐसी ही कंडीशन है एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसमें जो टिश्यूज़ हैं, जो कैंसर सेल हैं, कैंसर करने वाले जो टिश्यूज़ हैं वो यूट्रस के बाहर ग्रो हो जाते हैं, तब भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर ब्रेस्ट कैंसर के समय भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है, हैवी डोज देनी पड़ती है उस कंडीशन में। और साथ ही इस टैबलेट को ऐसी कंडीशन में भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं जब फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनका काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहा है, 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके हार्मोन इम्बैलेंस के कारण नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। और अगर किसी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है काफ़ी हैवी है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या फिर 8-8, 10-10 दिन से उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, तब भी इस टैबलेट को गाइस प्रेस्क्राइब कर देते हैं। और इस टैबलेट का यूज़ एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव भी होता है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होगी आपको कि इन सारी कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ हो रहा है, अगर आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी ना
तो आप जानेंगे कि जो एलोपैथी की मेडिसिन है वो एक ही काम करती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना या फिर ब्लड प्रेशर को घटाना, दर्द को कम करना, उल्टी को बंद करना, लेकिन इतने सारे मल्टीपल काम नहीं करती है एक ड्रग। तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को जानने में कि नॉर्थ ईस्ट्रोन का एक्चुअल काम क्या होता है। तो गाइज इस वीडियो में ये सब टॉपिक्स तो मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो लोगों का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि इस टैबलेट का यूज़ पीरियड्स को डिले करने के लिए होता है, तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। साथ ही ये जो टैबलेट है शरीर में काम कैसे करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन अगर आपको पता लग जाएगा ना, तो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि डॉक्टर किन बेसिस के आधार पर आपको ये टैबलेट प्रेस्क्राइब करता है या फिर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट्रोन टैबलेट को आप अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब आपने इस टैबलेट को यूज़ करना है पीरियड आने से पहले, और जब आप इस टैबलेट को बंद कर देंगे तो कितने दिनों के बाद आपको आपके पीरियड्स आ जाएंगे। काफ़ी कंफ्यूजन होती है इस बात को लेकर भी। साथ ही जानेंगे कि किन लोगों को इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है, कितनी डोज लेनी है, कैसे इस टैबलेट को यूज़ करना है, और कितने दिन तक आप अपने पीरियड्स को डिले कर सकते हैं, कितने दिन तक सेफ़ रहता है, और क्या इस टैबलेट के नुकसान होते हैं, मतलब कि एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और इस टैबलेट के कौन कौन सी इंटरेक्शन होती है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्थ ईस्ट्रोन टैबलेट के बारे में बता देता हूं कि ये शेड्यूल एच की टैबलेट होती है। मतलब कि गाइस शेड्यूल एच में ऐसी ड्रग्स रखी गई हैं जिनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, काफ़ी गंदे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए इसे शेड्यूल एच की कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए इस टैबलेट को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप नहीं ले सकते, लेकिन ये इंडिया है और इंडिया में ऐसी बहुत सारी आपको मेडिकल शॉप मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे जो कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस टैबलेट को दे देते हैं। खासकर जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर ये टैबलेट ईजिली आपको मिल जाएगी। और जो सिसरोन एन टैबलेट है ये 46 रुपीज़ की आपको 10 टैबलेट मिल जाती है। अब गाइज आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा ना बिना आपको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि वीडियो में आखिर क्या चल रहा है और मैं किस बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता है कि आपके शरीर में उस टाइम क्या घटना हो रही है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है, तो अच्छी बात है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो रिपीट हो जाएगा जिन लोगों को पता है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपके शरीर में क्या क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे जो मैं आपको बताऊँगा वो आप इजीली समझ जाएं। तो गाइस देखिए, जो फीमेल्स हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज़ का नॉर्मली होता है, ये एवरेज होती है 28 दिन की, और 21 दिन से 35 दिन के बीच में अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, मतलब कि महीना आता है, तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी एवरेज है वो 28 डेज़ की होती है, और अगर इसका आधा कर देते हैं, हाफ करते हैं, तो 14 डेज़ बनता है ओवल्यूशन डेट का। ठीक है, ओवल्यूशन का मतलब है कि जो आपकी ओवरीज है वहाँ से अंडा फूटता है, वो 14th डे को फूटता है। अब जब ये अंडा फूटता है तो एक फीमेल हार्मोन होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में प्रोजेस्टेरोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है। इस लेवल के इंक्रीज होने पर जो फीमेल्स की बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। ये दो भागों में डिवाइड होती है और जो अंदर वाली लेयर है ना, ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है और टूटती है। मतलब कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये जो लेयर है ये बननी शुरू होगी, ब्लड वेसल्स होते हैं और ये लेयर ना थिक होती रहती है, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती रहेगी प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है जैसे जैसे बढ़ेगा। ठीक है, और ये क्यों बढ़ता है,
ताकि जो एग रिलीज हुआ है ये स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइज हो जाता है, अब जो एग फर्टिलाइज हुआ है ये उस लेयर पर जाकर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन के बाद इस लेयर से उस फर्टिलाइज एग को हर तरह की नरिशमेंट मिलती है ताकि वो आगे अपनी 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो शुरू कर सके। मतलब कि जो बच्चा बनने की तैयारी होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है, यहीं से उसको सारी चीज़ें मिलती हैं अपनी ग्रोथ को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म के साथ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा, लेवल धीरे धीरे कम होगा, तो जो लेयर बनी थी ना प्रोजेस्टेरोन के लेवल के हाई होने के कारण ये लेयर श्रेड हो जाती है, मतलब कि ब्रेक डाउन होती है। और जब ये जो लेयर है ये ब्रेक डाउन होगी तो जो फीमेल्स हैं उनको ब्लीडिंग होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मतलब कि महीना आता है या मतलब पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे ये जो पूरी प्रोसेस है ना ये फीमेल्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में। तो गाइज अगर किसी फीमेल को अपने पीरियड्स को डिले करने हो तो वो इस टैबलेट का यूज़ कैसे करेगी, या डॉक्टर क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं पीरियड्स को डिले करने के लिए इस टैबलेट के रिगार्डिंग? तो गाइज अगर किसी फीमेल को अपने पीरियड्स को डिले करने हो तो वो इस टैबलेट की 5 mg डोज को दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ लेगी, ठीक है। रेकमेंडेड डोज है 5 mg की दिन में 3 बार TDS खाना खाने के बाद पानी के साथ, ठीक है। जब ये टैबलेट लेगी वो फीमेल तो उसके जो ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, क्योंकि ये टैबलेट एज ए प्रोजेस्टेरोन वर्क करेगी, तो ये टैबलेट लेने के बाद उसका जो ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल के कम होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है वो श्रेड होती है जिससे ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है 3 से 5 दिन का। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम नहीं हो रहा क्योंकि आपने ये टैबलेट ली है और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, तो ये ऐसे ये टैबलेट काम करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप इस टैबलेट को कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन डॉक्टर देती हैं इस टैबलेट के रिगार्डिंग। तो गाइज इसकी जो रेकमेंडेड डोज है वो 5 mg दिन में 3 बार होती है खाना खाने के बाद पानी के साथ। बारी बारी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है, मतलब कि एसिडिटी होना, गैस से पेट का फूल जाना या फिर नोजिया वोमिटिंग होना, इसीलिए आपको ये टैबलेट खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए जिससे आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम देखने को ना मिलें, ठीक है। तो आगे है कि ये टैबलेट मैक्सिमम कितने दिन तक यूज़ कर सकती हैं, तो गाइज ये मैक्सिमम जो टैबलेट है ये 20 डे तक आप यूज़ कर सकते हैं और 17 दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आप उसको रोक सकते हैं, सेफ माना जाता है इस टैबलेट से, ठीक है। तो अब कई फीमेल हैं उनको कन्फ्यूज़न होगी कि ये टैबलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 3 दिन पहले तो लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है, उनको तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका जल्दी आ जाता है। जैसे मान लीजिए कई फीमेल हैं उनका जो पीरियड है लास्ट 20 तारीख को आया है और फीमेल्स को पता होता है कि उनका जो पीरियड है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 दिन पहले आता है। तो अगर किसी फीमेल को एक्सपेक्टेड डेट है 3 दिन पहले की, मतलब 17 तारीख को अगर उनका पीरियड आना है एक्सपेक्टेड, तो उन्हें 3 दिन पहले ये टैबलेट लेनी है ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल वो कम ना हो और उनको पीरियड ना आए। ऐसे ही अगर किसी फीमेल को लेट आनी है, जैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेड उनको लास्ट मंथ जो पीरियड हैं वो 20 तारीख को आए हैं, 20 तारीख को आए हैं, लेकिन उनके जो पीरियड हैं वो लेट आते हैं 4 दिन लेट, 24 को आने हैं, तो ये टैबलेट उन्होंने 21 तारीख को लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ये टैबलेट लेनी होती है। कौन कौन फीमेल इस टैबलेट को नहीं ले सकती, तो गाइस सभी ले सकते हैं जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और जो अपने पीरियड्स को डिले करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जिन फीमेल्स को अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, मतलब कि 12 साल से कम उम्र की जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं और याद रखिएगा ये टैबलेट शेड्यूल एच की टैबलेट है, तो ऐसे बिना मतलब के पीरियड्स को डिले करना भी अच्छा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी इस टैबलेट को यूज़ करना चाहिए।
और एक और पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या इस टैबलेट को लेने के बाद इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो गाइस कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ इंटरकोर्स के टाइम ब्लड स्पॉट देखने को मिल सकते हैं जो कि नॉर्मली होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जो लेयर है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल के ज़्यादा होने पर उसकी जो लेयर है वो थिक होती है लेयर की, तो ब्लड स्पॉट देखने को मिल सकता है जो कि नॉर्मली होते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक और पॉपुलर क्वेश्चन है कि इस टैबलेट को पीरियड डिले करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पीरियड 2 दिन के लिए डिले करने हो तो कब ये टैबलेट बंद करनी है और कितने टाइम में पीरियड्स आ जाएंगे। तो गाइस देखिए, 2 दिन तक आपने डिले करने हैं, कर लीजिए। जब आप ये टैबलेट बंद करेंगे उससे 1 या 10 दिन के अंदर आपको आपके पीरियड्स आ जाएंगे, तो 1 से 10 दिन तक पीरियड्स आ जाते हैं और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं होती है। सारी जगह गाइस ये टैबलेट यूज़ की जाती है एज ए पीरियड को डिले करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं और डोज गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक और गलती होती है फीमेल्स के द्वारा कि जो रेकमेंडेड डोज मैंने आपको बताई है 5 mg की है, तो कई बारी मिस डोज भी हो जाती है, भूल जाते हैं फीमेल इस टैबलेट को लेना टाइम पर, तो वो क्या करती हैं कि अगर दोपहर की जो डोज है, जैसा सुबह दोपहर और शाम को ये टैबलेट लेनी है, और दोपहर को ये डोज भूल जाती हैं लेना, तो रात को डबल डोज वो ले लेती हैं, मतलब 10 mg की गोलियां, 2 गोलियां ले लेती हैं। तो गाइज ऐसा नहीं करना, जब भी आपको याद आए ना कि टैबलेट आप भूल गए हैं उसी टाइम आप वो ले लें, और अगला जो पीरियड है ना, जो अगली आपने जो डोज लेनी है उसके आप बना लें, अपना जो बीच का ड्यूरेशन है वो आप एडजस्ट कर लें टैबलेट को लेने का, ठीक है, पर भूलकर भी डबल डोज ना लें, ओके। तो ऐसे ये टैबलेट यूज़ करते हैं। और अब आगे बात करते हैं कि इस टैबलेट को लेने पर आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टैबलेट है ये शेड्यूल एच की टैबलेट है और इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये टैबलेट मिलती है, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड देखने को मिल सकता है, या फिर आपको आपकी जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ भी बढ़ जाता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है, स्टमक पेन भी हो सकता है इस टैबलेट से। कई फीमेल हैं उनका जो वेट है वो कम हो जाता है या फिर वेट उनका बढ़ भी जाता है इस टैबलेट को लेने से। कई लोगों का जो स्लिप पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कई फीमेल्स हैं उनके चेहरे पर भी बाल आ जाते हैं, कई फीमेल्स हैं उनका सिर दुखता है, जैसा माइग्रेन के समय सिर में दर्द होता है ना गाइस, सेम वैसा ही इस टैबलेट को लेने पर भी हो सकता है। इस टैबलेट को लेने पर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, कई लोगों में चक्कर आ सकता है, और हाथ पैरों में या टांगों में कमजोरी आ सकती है, चेहरे पर सूजन आना, या फिर होठों पर, या फिर जो आईलिड होती है, या जीभ पर, या हाथ और पैरों पर सूजन भी आ सकती है इस टैबलेट को लेने पर। कई लोगों की जो स्किन है और आंखों का कलर है वो पीले रंग का हो सकता है, और इस टैबलेट से जो मूड है वो भी चेंज हो जाता है कई फीमेल्स को। इस टैबलेट के ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि कुछ समय होने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। वैसे तो गाइस देखिए, अगर आप ज़्यादा लंबे समय से इस टैबलेट को लेंगे ना तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम समय के लिए अपने पीरियड्स को डिले करने हो तो आपको बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। इस टैबलेट के ना कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस भी हैं जो कि इन लोगों को नहीं लेने चाहिए। अगर आप एक प्रेग्नेंट वूमेन हैं तब आप इस टैबलेट को ना लें, साथ ही अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तब भी गाइज आप इस टैबलेट को ना लें, ठीक है। अगर आपको ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, जैसे थ्रम्बो एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, तब भी गाइज इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तब भी गाइज इस टैबलेट को रेकमेंडेड नहीं किया जाता। साथ ही अगर आप किसी प्रकार की सर्जरी करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तब भी गाइज इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, और सर्जरी होने से पहले ही इस टैबलेट को बंद कर दिया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि
मेनाकी नहीं हुआ है, जो गर्ल्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है 13 से, या फिर जो 12 साल से कम की जो लड़कियां हैं उन को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, या फिर अगर आपको थायराइड की, लीवर की या किडनी की प्रॉब्लम है तब भी गाइज इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और अगर आप इस टैबलेट को लेते समय किसी प्रकार की कोई हर्ब ले रहे हैं, कोई जड़ी बूटी या फिर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, तब भी ऐसी कंडीशन में आपको इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। या तो वो सप्लीमेंट बंद कर दें और जो हर्ब्स ले रहे हैं वो बंद कर दें, या फिर इस टैबलेट को बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, साथ ही एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस टैबलेट के रिगार्डिंग। अब गाइज बात करते हैं ड्रग्स की कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो इंटरेक्शन करती हैं। तो गाइज जो पहले नंबर पर जो ड्रग है वो है ट्रेनेक्सामिक एसिड या फिर टेक्साकाइन टैबलेट आती है जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ होती है। तो ये इस टैबलेट के साथ इंटरेक्ट करती है ट्रेनेक्सामिक एसिड, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। साथ ही ग्रीसियोफुलविन टैबलेट है जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है, इस मेडिसिन को भी आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेना चाहिए। साथ ही गाइज एक कार्बापेंजेमिबिन, ये भी आपने नहीं लेनी है। साथ ही फेनीबारबिटल भी एक मेडिसिन है जो कि सीजर्स के टाइम यूज़ की जाती है, तो ये भी इंटरेक्ट करती है इस टैबलेट के साथ में। तो ये सारी ड्रग्स इंटरेक्ट करती हैं और आपने इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है या फिर इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और अब बात करते हैं डिजीज़ की, अगर आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तब गाइज आप इस टैबलेट को यूज़ ना करें। साथ ही हिपेटिक न्योप्लाज्म की प्रॉब्लम होने पर भी गाइज इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। और गाइज ध्यान रखिएगा कि ये शेड्यूल एच की टैबलेट है, मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय तक आप इस टैबलेट को यूज़ मत करना। और अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तब ही इस टैबलेट को यूज़ करना, जैसा मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ताकि लोगों को भी इस टैबलेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।